नहीं होता या लाइन से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन नहीं हो रहे होते और आप फ्रस्ट्रेट होकर सोचते हो यारे नहीं है आई एम नॉट कट फॉर होता है, है बेवकूफ है, है और हम जे तो नहीं करा करने वाले हम आई आई टी तो नहीं जाने वाले भाई मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक टाइम ऐसा था आपने ये जोशॉक्स देखी होंगी एंड आपने रियलाइज करा होगा कि मेरी लाइफ में भी ऐसे कई सारे मौके थे जहां पे आई वॉज

Hey टीमोटिवेशन से रिलेटेड एक ऐसी मोटिवेशन जो हमें डाउट नहीं बना हूं आई आई टी अलग लेवल के लोगों के लिए होता है ज्यादा स्मार्ट लोगों के लिए होता है एंड इस चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इन देयर प्रेपरेशन ड्रॉप आउट कर देते हैं तो मैं कुछ ऐसी सिंपल पांच बातें बताऊंगा एंड आज हम बॉलीवुड स्टाइल में बताएंगे थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बताएंगे क्योंकि इन सब पॉइंट से रिलेटेड एक एक मूवी डायलॉग है तो ऐसे पांच मूवी डायलॉग जो आपको हेल्प करेंगे इसको ओवरकम करने में इसके साथ आज हम आगे बढ़ते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कॉमेंट आई आई टी इज फॉर मी IIT is for me comment तो I know that that you guys are committed enough and demotivate So with that, let's get started. यार हम में से सपने towards achieving अचीविंग goals सब लोग देखते हैं कई लोग जल्दी achieve कर लेते हैं तो कई लोग मेहनत करते हैं उसके लिए दिन रात और उसकी तरफ पूरी क्षमता से आगे बढ़ना चाहते हैं यार ऐसे में टीचर्स का रोल बहुत क्रूशियल होता है एंड टीचर्स गाइडिंग लाइट जो सेल्फलेसली हमें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है तो टीचर्स डे के मौके पे इस साल फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आया है टीचर्स डे ऑफर ये एक ऐसा यूनिक ऑफर है जो थर्ड से ट्वेल्थ है, है तोहफा तरक्की का तो जो बैचेस अवेलेबल हैं वो बहुत हेविली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल हैं ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेई ट्रैक बैच है जो ट्वेंटी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ये ट्वेंटी एट हंड्रेड रुपीज में आपको फ्री प्रयास वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ और थ्री पॉइंट ओ की सारी ऑफरिंग साथ में दे रहा है

के पर डे दे। साथ ही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट आपको मिलेंगे

तो ये code आप कर सकते हैं जल्दी जाओ इस ऑफर का फायदा उठाओ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एक नए सिरे ऑल द लिंक्स इन वेरी बेस्ट तो सबसे पहली चीज यार जब आपको ये चीज दिमाग में आए व टू रियलाइज की यू हैव टू एम्ब्रेस द लर्निंग प्रोसेस अगर आप लर्निंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करना सीख जाओगे ना तो ऐसी सेल्फ डाउट आपको कभी नहीं आएंगे मतलब फिल्मी अंदाज में बोले तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यार ये डायलॉग अगर आई आई टी जे में अप्लाई नहीं होता तो मुझे नहीं पता कहाँ अप्लाई होता है बिकॉज वे यू लर्न टू एम्ब्रेस द लर्निंग प्रोसेस वेन यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ आई आई टी जे दैट इज वेन यू गेट कम्फर्टेबल विद योर आई आई टी जेई लाइफ आपको ये जानना है यार अगर आप जो अचीव करना चाह रहे हो वो आईआईटी का जो सपना आप देख रहे हो ऐसे लाखों बच्चे हर साल सपना देखते हैं और कब से देखते आ रहे हैं लेकिन उनमें से पूरा उसको सिर्फ वही करते हैं जो जज्बाती होते हैं यार जिनके अंदर जज्बा होता है कुछ अच्छा करने का जिनके अंदर मोटिवेशन होती है रियलाइज करने का कि इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी मुझे पता है जिसपे मैंने आंखें अपनी सेट की हैं इट इज नॉट एन ईजी प्रोसेस एवरी इज मिलियंस वॉन्ट टू अचीव दिस ड्रीम बट अगर मुझे ये अचीव करना है सो आई शुड अंडरस्टैंड कि मैं किस मिट्टी में या किस रणभूमि में उतरा हूं एंड उस रणभूमि को पार करने के लिए दिक्कतें आएंगी कई चीजें मुझे अगर आई पाना है तो खोनी भी पड़ेंगी मुझे अपना मजा खोना पड़ेगा कई बार मुझे अपना सोना खोना पड़ेगा ऐश आराम ये सब चीजें ऐसी है यार जो आई आई में एक बैक स्टेज ले लेती हैं बट डोंट वरी बिकॉज बहुत जल्दी आई में आके वो वापस फ्रंट स्टेज ले सकती है यू कैन डू एक्जैक्टली वॉट यू लव टू डू बट ये जो तपस्या वाली बात होती है ना वो बहुत ट्रू होती है एंड आई स्टिल वेरी क्लियरली रिकॉल मेरे मैथ्स टीचर इलेवेंथ में बोलते थे कि बस ये दो साल की तपस्या है उसके बाद आपको ये टाइम बहुत सुनहरे तरीके से याद आएगा एंड इट इज

हैं अब यार याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट और भी है जिसके लिए मैं हमेशा स्टैंड बाय इट इज दैट एन एक्सपर्ट इन एनी थिंग बिगनर आप अपने आसपास अपने दोस्तों को देखते हो आप सोचते हो यार इन्होंने ये क्वेश्चन कैसे कर लिया या इनको ये प्रॉब्लम हो गया इनसे मुझसे नहीं हो रहा प्रॉब्लम मैं आई आई टी के लिए नहीं बना हूँ यू हैव टू रियलाइज यार उनके लिए भी ऐसा एक दिन था शायद वो आज से एक साल पहले था शायद वो कब से पढ़ते हुए आ रहे थे या शायद उन्होंने सिमिलर पहले कुछ किया है जिसकी वजह से उनका दिमाग अब इतना डेवलप हो गया कि वो क्वेश्चन कर पा रहे हैं लेकिन अगर आप बाजीगर बनना चाहते हो अगर आप एक्चुअल लीड लेना चाहते हो सो यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी कि आप शायद अभी पीछे हो अपनी प्रेपरेशन में लेकिन अभी अगर आप हारे हो इसका मतलब यह नहीं कि आप मैराथन हारने वाले हो यह एक रेस है हो सकता है कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी आपको नहीं आ रहे लेकिन जब आप उससे सीख सीख के बार बार गिर गिर के उठोगे ना तब आप रियलाइज करोगे कि आपके लिए वो गिरना कितना इंपॉर्टेंट था उससे सीखना कितना इंपॉर्टेंट था तो हार के जीतने वाला बाजीगर आपको बनना है आपको रो धो के साइड पर बैठने वाला या बैकआउट करने वाला लूजर नहीं बनना है थर्ड डायलॉग डॉन का कॉन्फिडेंस दैट इज समथिंग जो उनके सबसे फेमस डायलॉग से झलकता है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अब बारह मुल्कों की पुलिस पड़ी थी डॉन के पीछे कहीं भी कभी भी वो पकड़े जा सकते थे अब ऑब्वियसली वहां थोड़ी ड्रामेटाइजेशन थी बट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम डॉन इज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज जो अच्छे खासे लोगों को मतलब पुलिस को भी डरा के रखती थी कि भाई डॉन का ये डायलॉग है ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे है और जब ये कॉन्फिडेंस होता है ना तो दुनिया अपने आप आपसे डरने लग जाती है और आपको खुद में जो एक कहते हैं ना मतलब खुद को झूठी तसली दिला दिला के ही आप एक्चुअली उसको अचीव कर लेते हो दैट काइंड ऑफ अ

तब आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है तो झूठी तसल्ली देना ही चालू कर दो यार पहले खुद को ताकि वो मोटिवेशन आए अब झूठी तसल्ली का ये मतलब नहीं है कि भाई कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट बना के आप पढ़ाई करना ही बंद कर दो दैट इज नॉट द केस इसको उल्टे वे में मत लो बट यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट यू हैव टू वर्क हार्ड लेकिन तुम्हें पता ही है वो तो होना ही है सो वाई नॉट एम्ब्रेस इट विथ कॉन्फिडेंस एंड दिखा दो भाई दुनिया को कि भाई मुझे पीछे करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है एंड ट्रस्ट मी ये शायद आपको जस्ट वीडियो के बाद आप इसको इंप्लीमेंट करोगे लेकिन फिर ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा यार नहीं यार शिट यार ये मुश्किल ही है मुश्किल ही है लेकिन अगर तब भी आप अपने कॉन्फिडेंस को डिटर नहीं होने दोगे हिंडर नहीं होने दोगे दैट इज वट विल मेक अ रियल एस्पिरेंट एंड दैट इज वट मेक्स अ वॉरियर पॉइंट नंबर फोर यू नीड टू सेलिब्रेट स्मॉल विन्स

हो सकता है आपसे कोई स्पेसिफिक चैप्टर सॉल्व नहीं हो रहा था उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे लेकिन जब आप उसको सॉल्व करना सीख जाओ या उससे रिलेटेड आगे जाके अपनी गलतियों से सीख के कोई छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो वो आपके लिए छोटी विक्ट्री है आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट एट एनी लेवल देख सकते हो एंड जब आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करते हो ना उसको अगर आप मोटिवेशन की तरह यूज करो तो दैट इज द बेस्ट मेडिसिन दैट कीप्स यू मूविंग आपको अपनी स्मॉल वेंट्स को सेलिब्रेट करना है आपको उनसे सीखना है आपको देखना है अपना ग्राफ अपवर्ड किस तरीके से जा रहा है एंड

Who you will इसका बहुत जो पास्ट है तुम्हारे जो फेलियर्स है IIT, .E. के, उससे तुम्हें सीखते रहना है दुखी नहीं होना है स्ट्रेस्ड नहीं होनाट पॉइंट अपल द फोर पॉइंट ऑल्सो जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने आप में बिलीव रखो अपना जो भी आपकी जर्नी है भले ही वो कितने भी डाउन से गई है हो सकता है आप अपने वर्स्ट फेज पे हो लाइफ में फ्लैट हो लेकिन वही है कि लाइफ में बहुत बार जिंदगी आपको फ्लैट जमीन पे आके रख देगी लेकिन जिसने उस फ्लैटनेस में भी बाउंस बैक करना सीख लिया वो लाइफ के हर फेलियर को सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है

होगा मुश्किल होगा इसको यूज करना स्टार्टिंग में होगा ऐसा सिचुएशन जहां रोगे आप अकेले बैठे होगे आपको हारा हुआ फील होगा लेकिन तब इस वीडियो को देखना और इसकी सारी सीखों को इंप्लीमेंट करना एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने वीडियो देखी थी आई टी की प्रेपरेशन में सो थैंक यू सो मच वॉचिंग यू वेरी वेरी सून वनस अगैन विद्योज एंड स्टे सेफ स्टेफ स्टेल की ball oh.